तहलका न्यूज। और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है वो जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए फरीदाबाद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली को उन्होंने संबोधित किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सोहाना रोड पर स्थित तेवतिया फार्म में ये जन आशीर्वाद रैली रखी गई है, जहां पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया के साथ साथ कई जो है जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया और जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है वो जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए फरीदाबाद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फरीदाबाद में जन आशीर्वाद रैली को उन्होंने संबोधित किया। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ सोहाना रोड पर स्थित तेवतिया फार्म में ये जन आशीर्वाद रैली रखी गई है, जहां पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया के साथ साथ कई जो है जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया और जेजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद है। प्रेम सिंह धनखड़ जी, अरविंद भाटवार जी, तेजपाल जी, श्याम सुरान जी, देगराज नागर जी, महिला अध्यक्ष अरविंद कौर जी, भाई दीपक जी, कुलदीप जी, अमर नरवर जी, जेपी मेंबर जी, जितेंद्र चौधरी जी, अनिल कुटेला जी, सुनील शास्त्री जी, यशपाल लाबा जी, कृष्ण पप्पी जी, ऋषि फगाट जी, भाई नलिन जी, की सरकार से तमाम और फिलहाल दोनों बच्चे पंचायत पदाधिकारी और इस प्रांगण में मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहने, युवा साथी, इस बारिश के निरंतर मौसम के बावजूद भी जो प्यार आशीर्वाद आप लोगों ने अपना दर्शाया, ये पूर्ण विश्वास को दिलाता है कि फरीदाबाद के क्षेत्र में आपने पार्टी संगठन को पिछले चार वर्षों में मजबूती भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया और यह आपका भरोसा है कि निरंतर तीन सालों में कैसी परिस्थितियां रही, आपकी सरकार ने निरंतर चमेरे को मजबूत कैसे किया जाए उस पर काम करने का कार्य किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, कोरोना जैसी महामारी के बावजूद जहां फरीदाबाद में लगभग